इंटेल कॉर्पोरेशन, नाम सुना क्या सुना है? इंटेल इनसाइट जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी माइक्रोचिप और प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है, वहां पर ये डेवलपमेंट के वर्क में है और ज्यादा नहीं, इनको मात्र 20 लाख का पैकेज मिल रहा है। लेकर के 23 लाख का, ठीक है। तो तुम लोग ये सपना देखो कि तुम लोग भी इस मुकाम तक पहुंचोगे। लेकिन कृष्णा ने भी मेहनत करी और ऐसा नहीं है कि एक बार की अचानक से कोई जादू की छड़ी घूमती है और कोई सफलता मिल जाती है। तो इसने भी मेहनत करी, इसने भी विप्रो वगैरह में बहुत दिन मेहनत करी, वहां पर भी सीखा और फिर किस तरीके से एक मुकाम तक पहुंचा। अभी पीछे कल निरंजन आया था जो जेटपैक में था, उसी तरीके से अमन भारद्वाज जिसको अभी अपग्रेड में 17 लाख मिला है, प्रशांत आयल को 16 लाख मिला है, आशीष आया 14 लाख के पैकेज में गया। तो ये लगातार आप लोग के बीच छात्र आ रहे हैं। कल वो अनिल सरस्वती आया जो कि एमडॉक्स में है, वहाँ 11 लाख का पैकेज उसको मिला है और उसने 16 लाख के पैकेज को छोड़ा नहीं, क्योंकि उसको जो काम करना था वो जिस जगह पर मिल रहा था वो ज्वाइन किया। ऐसा नहीं है कि जो सबसे ज्यादा पैसा दे देगा वहां पर जाने को तैयार हो। जहां मन लाइक काम मिल रहा है, जिस सेक्टर में ग्रो करना है उस सेक्टर के लिए वो उसको ज्वाइन किया। जिस सेक्टर में उसको इंटरेस्ट कम है, सैलरी ज्यादा था, वहां नहीं ज्वाइन किया। ये हमारे बच्चे की हिम्मत भी है और उसकी सफलता भी है, उसकी काबिलियत भी है। देन वी हैव गॉट रोहित, ये भी विप्रो में है। ये सब लोग अभी अपडेट आई टी कर रहे हैं, जितने विप्रो वाले हैं यहाँ पर। अंकेश है, अंकेश एक फिनटेक कंपनी में काम कर रहे हैं, पे नियर बाई। तो नियर बाई तुम लोग देखते हो आजकल नियर बाई शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, नियर बाई में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। तो अब ये पे नियर बाई है, ये फिनटेक कंपनी है, कुछ वैलेट तो है या पेमेंट ट्रांसफर है, लेकिन अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये अच्छा है, इसको हम TCS में भेजे थे लेकिन इसको बोला कि नहीं, खाने पीने में सरकारी और नौकरी सरकारी। तो ये बिहार सरकार ज्वाइन कर ली है, गृह विभाग में अभी है और इसको अभी UPSC की तैयारी कर रही है। और मैंने गाड़ी में इसको समझाया है कि तुम UPSC में अटेम्प्ट कर सकती हो, तुम इतनी टैलेंटेड लड़की हो। तो हमारी शुभकामना है कि जब भी नेक्स्ट UPSC हो तो आकांक्षा का UPSC क्लियर होए और उसके बाद UPSC भी करे या सीधा UPSC कर ले। हाँ, ये आशीर्वाद हम लोग देते हैं सबको दिल से। तुम लोग भी सब लोग अपना अपना थोड़ा आशीर्वाद लगाओ, शुभकामना लगाओ, है ना। लेकिन आज भी जिस मुकाम पर है वो मुकाम अपने आप में एक माँ बाप का सपना पूरा होने जैसा है। गृह विभाग में पटेल भवन जो सरकारी इतना बड़ा हेडक्वार्टर है, वहाँ पर एक अच्छे पोस्ट पर रहना और एक सरकारी ऐसा जॉब जो कि अपने आप में बहुत ही प्रोमिनेंस रखता है, जिसके लिए इसको अफसोस नहीं है कि TCS का अच्छा हाई पेइंग जॉब छोड़ करके इसने ज्वाइन किया। तो ये सारे बच्चों का आप लोगों के बीच में मैं स्वागत करता हूँ सिविल संस्थान की तरफ से, उनका स्वागत।